नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये नारे अक्सर योगी विरोधी लोग बनाते हैं। देश भर में बढ़ती बेरोजगारी और हाल ही में शिक्षा नीतियों में बदलाव के बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आज सपा के पूर्व मुख्यमंत्री के आह्वान पर प्रदेश भर में सपा के द्वारा जगह जगह प्रदर्शन हुए। सपा के द्वारा प्रदेश भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी और शिक्षा नीति में हुए बदलाव को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए गए। दरअसल आज देश भर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं सपा के द्वारा बेरोजगार दिवस के रूप में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के मद्देनजर पुलिस के द्वारा सपा के कार्यकर्ताओं को देर रात से उठाना शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर भी सपाइयों की एकजुटता के आगे प्रशासन की एक भी न चल पाई और सपा के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को जंजीरों में जकड़ कर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। आज योगी सरकार के द्वारा प्रदेश भर में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन उनके लिए प्रदेश में नौकरी नहीं है। योगी सरकार के द्वारा प्रदेश में तानाशाही वाली सरकार चलाई जा रही है। आज जिले भर में सपाइयों के द्वारा जिला कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा गया है और मांग की गई है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए और शिक्षा नीति सहित अन्य तरह के जो अध्यादेश यूपी सरकार के द्वारा लाए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जिस तरीके से बेरोजगारों को खत्म करने पर मजबूर है, खत्म करना चाह रही है और नौजवान आत्महत्या को मजबूर है। वो लड़के वो नौजवान जो डिग्रियां लेके निकल रहे हैं, वो लड़के वो नौजवान जो डिग्रियां और डिग्रियां लेके उच्च शिक्षा पैसा खर्च करके कॉलेजों से यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं, आज वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। लगातार जिस तरीके से शिक्षा नीतियों के अंदर बदलाव किया जा रहा है, आरक्षण की बात हम करते हैं, एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण कॉलेजों के अंदर और सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के अंदर किया जा रहा था, उसको खत्म इन लोगों ने कर दिया और सिर्फ और सिर्फ घुटने काम कर रहे हैं लोग। जिस तरीके से जो आम आज क्या किया है आपने, आज हम लोगों ने राज्यपाल महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा है। सारे समाजवादी पार्टी के चारों युवा फ्रंटल और समाजवादी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं सब आज लोग यहाँ मौजूद थे फ्रंटल के। तो क्या पुलिस ने रोकना भी चाहा आपने कोशिश? पुलिस जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। आज नौजवान जो है 80% नौजवान जो है वो परेशान है, आत्महत्या करने में मजबूर है। हम लोगों को यहाँ रोका गया और जिलाधिकारी जी से हमने कहा था, मैंने ज्ञापन नौजवान आपके हाथ से महामहिम राज्यपाल जी को सौंपना चाहता है, लेकिन वो डर के मारे निकले नहीं अपने कमरे से। उन्होंने अपने अधीनस्थ जो एसीएम सेकंड है मैडम उनको यहाँ भेजा, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार का हाल हकीकत में बदहाल है और जिस तरीके से नौजवानों का आक्रोश है, आने वाले समय के अंदर अगर इन्होंने अपनी नीतियों के अंदर बदलाव अगर नहीं किया और जिस तरीके से ये लोग लगातार उत्पीड़न पे उत्पीड़न किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का, मजदूरों करने पर आतुर है। समाजवादी नौजवान सड़कों पर उतर कर अभी ये शुरुआत है, अभी ये आगाज है। नौजवान आने वाले समय के अंदर इनकी ईंट की ईंट बजाने का काम करेगा। आज ये ज्ञापन जो दिया गया था ये नौजवानों के लिए, ये मजदूरों के लिए, ये गरीब किसानों के लिए, सभी के हित में ये ज्ञापन दिया गया है अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा इसका हमें आह्वान करा गया था और हमने ये ज्ञापन आज जिला प्रशासन को दिया है। और क्या मांगे रखी है आपने इसमें? हमारी मांगे है कि बेरोजगारी कम कर दी जाए और युवाओं को शिक्षा दी जाए, युवाओं को जो शिक्षित है उनको नौकरियां दी जाए, बेरोजगारी कम कर दी जाए और किसानों के लिए और गरीब मजदूरों के लिए नीतियां बनाई जाए, और नहीं तो फिर ये सरकार हटाई जाए। अगर ये सरकार नहीं चलाई जाती है तो फिर सरकार हटाई जाए और प्रेसिडेंट रूल लागू करे जाए।